तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उन पांच मूवीज के बारे में जो कि बेहतरीन होने के बावजूद भी हो गई थी इंडिया में बैन। ये पांच फिल्में ऐसी थी जिन्हें इंडियन सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इन्हें बैन कर दिया और ये फिर कभी भी बड़े पर्दे पर रिलीज ही नहीं हो पाई। आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इन मूवीज को कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आती है बैंडिट क्वीन, वो कहानी जो रियल लाइफ की सबसे पॉपुलर और डेंजरस बागी फूलन देवी पर बेस है, लेकिन फिल्म से ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसके बैन होने का रीज़न। एक्चुअली रियल लाइफ में खुद फूलन देवी ने इसकी सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए थे। एक सेक्सुअल एब्यूजिव वाला सीन भी फिल्म में इंक्लूड किया गया था, जिसको देखकर मैडम ने मेंटल टॉर्चर तक का इल्ज़ाम लगा दिया था फिल्म के डायरेक्टर पर। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है शोले। ये एक ऐसा मज़ेदार किस्सा है जिसकी वजह से फिल्म शोले बैन होते होते बच गई, वरना बसंती उन कुत्तों के सामने कभी ना नाच पाती। वो एंडिंग सीन याद है फिल्म का, जिसमें बिना हाथ वाले ठाकुर अपने पैरों में जूतों के नीचे कील घुसाकर गब्बर को सबक सिखाते हैं। वो एंडिंग पूरी की पूरी दोबारा शूट हुई थी। एक्चुअली जो ओरिजिनल आइडिया था वो इतना ज़्यादा खून खराबे से भरपूर था कि सेंसर बोर्ड के भी होश उड़ गए थे। फटाफट इसको डिलीट करके नए सीन्स शूट किए गए और शोले को खत्म किया गया। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? क्योंकि ये कौन बोला? इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है पंच, केके मैनन साहब की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टिंग परफॉर्मेंस, लेकिन फिल्म ने कभी थिएटर की शक्ल नहीं देखी। कहानी एक म्यूजिक बैंड की है जिसमें चार करीबी दोस्त और पांचवी एक फीमेल मेंबर है जो पार्ट टाइम अजनबियों के साथ रात गुजार कर पैसे कमाती है। फिर होती है फिल्म में लस्ट, किडनैपिंग और ड्रग्स की एंट्री। इसके बैन होने का रीज़न फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप हैं। सर ड्रग्स के नशे को इतना ज़्यादा रियलिटी से स्क्रीन पर उतार दिए कि सेंसर बोर्ड डर गया। जब ये हफरे बनाएगा ना तो मुर्गी के फ्रेश निकले हुए अंडे होना चाहिए। साहब, मुर्गी का नाम चंपा है, चलेगा? इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है द मास्टरमाइंड जिंदा सुख। कहानी एक रियल लाइफ पर बेस है जिसमें आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर आर्मी जनरल अरुण कुमार वैद्य किलर का नजरिया लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरी प्लानिंग कब क्यों कैसे हुई सब कुछ डिटेल में दिखाकर एकदम कॉन्ट्रोवर्सियल तरीके से फिल्म को तैयार किया गया था। सेंसर बोर्ड को जब इसका पता चला तो सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया। सर जी, अगर हमारी सेक कॉम खड़ी हो जाए ना तो 24 घंटे में एक नया देश खड़ा कर देंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है डर्टी पॉलिटिक्स। राजनीति की दुनिया तो गंदी है ही, लेकिन ऐसे में बड़ी स्क्रीन पर नेताजी के सफ़ेद टोपी को गंदा बोले तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। खैर, ये फिल्म बेस एक रियल लाइफ पर एक ऐसी औरत की कहानी जिसके पास थी कॉन्ट्रोवर्सियल सीडी जिसमें इन्वॉल्व थे कुछ बड़े नाम वाले नेताजी। बाद में लड़की की डेथ और सीडी गायब। तो दोस्तों, आपको इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि आखिर इन फिल्मों में ऐसा क्या था जिस वजह से इन्हें इतने सालों तक बैन रखा गया। और हाँ, ये सभी फिल्में YouTube पर अवेलेबल हैं तो आप इन्हें फ्री में जाके देख सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ भी नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ले ले सीडी और दे दे मन्ने 50 करोड़। जरा 50,000 की औकात नहीं है उसकी, पहली बार सो रही है क्या? अनोखी अपना झगड़ा झटकेगी ना तो तेरे जैसे 40 चूतिया निकलेंगे।